हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिस आई मेकअप लुक। दिस इज ए ब्राइडल आई मेकअप लुक। सो अगर आपको देखना है हाउ टू गेट दिस लुक, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिखाऊंगी, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मैं यूज की हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज फॉर मोर अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आई शेडो बेस से। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पैक का टेक कवर कंसीलर, आई एम इन द शेड बटर स्कॉच, और इसको मैं आई लिड पे अप्लाई करूंगी, और ये होगा हम लोगों का आई शेडो बेस। सो ये आपके आई लिड पे अगर कोई भी डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन है वो हाइड करने में हेल्प करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सो डू नॉट स्किप दिस स्टेप। और यहाँ पे मैं ब्रश के लिए प्रो आर्ट का PF01 ब्रश यूज कर रही हूँ कंसीलर को स्प्रेड करने के लिए एंड आईब्रोज के नीचे क्लीन करने के लिए। इसके बाद आई शेडो बेस को सेट कर रही हूँ विथ सम लूज पाउडर, दिस वन इज फ्रॉम के ब्यूटी। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आई मेकअप, and the palette I am using today is from Profusion. This is their Spectrum eyeshadow palette. इसमें आपको 10 eye shadows मिल जाएगा, बहुत ही colorful eye shadows है। So palette मुझे काफ़ी अच्छा लगा। So यहाँ पर मैं purple shade को लेकर crease पे and outer view पर apply करूँ just to draw a shape। ये हम लोगों का just outline होगा, इसके बाद हम लोग इसको blend कर लेंगे। सो इसके बाद मैं पिंक शेड को अप्लाई कर रही हूँ टू ब्लेंड आउट द एजेस एंड अच्छा सा ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फिर से कंसीलर ब्रश, ताकि मैं फ्रंट सेक्शन को थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। सो मैं यहाँ पे हाफ कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले क्रीज पे मैं मार्क कर लूँगी कहाँ तक मुझे क्लीन करना है, एंड देन मैं लिड स्पेस को क्लीन कर लूँगी विथ सेम कंसीलर। सो ये ब्रश काफ़ी अच्छा काम करता है कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए। सो ये मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दिस ब्रश। नेक्स्ट मैं फिर से पिंक शेड को लेके आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए कंसीलर के एज को, ताकि यू नो ब्लेंडेड लुक मिले, हार्श एजेस ना दिखे कंसीलर के। एंड इसके बाद मैं फिर से जो पर्पल शेड फर्स्ट कलर अप्लाई किया था उसको फिर से अप्लाई कर रही हूँ क्रीज पे, जस्ट कट क्रीज के ऊपर में, थोड़ा सा और डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए, थोड़ा सा कलर को और इंटेंसिफाई करने के लिए। एंड अगेन मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद जो काइंड ऑफ सी ग्रीन कलर है उसको अप्लाई कर रही हूँ सेंटर लीड पे। फ्रंट सेक्शन पे अभी भी कोई कलर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइटर शेड अप्लाई करेंगे। सो इसको सेंटर लीड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लड ब्रश के हेल्प से, एंड अगेन मैं आउटर वी के कलर को फिर से अप्लाई कर रही हूँ दोनों शेडो के बीच में, सही सा दोनों शेडो के बीच में ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए। एंड नेक्स्ट मैं जो लाइटर ब्लूई शेड है, स्काई ब्लू शेड, उसको अप्लाई कर रही हूँ फ्रंट सेक्शन पे, और इसको भी मैं ओवरलैप करते हुए अप्लाई करूँगी प्रीवियस शेड के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी जेल आईलाइनर, दिस वन इज़ फ्रॉम नायका। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जेल आईलाइनर। सो यहाँ पे मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थिक आईलाइनर अप्लाई किया है जो कि ब्राइडल आई लुक के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं निक्स का ग्लिटर ग्लू बेस अप्लाई कर रही हूँ सेंटर लीड पे, बिकॉज इसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ग्लिटर। द ग्लिटर इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52, आई मीन द शेड एमेरल्ड, और इसको मैं जस्ट पैक कर लूँगी सेंटर लीड पे। सो अगर ब्राइडल आई मेकअप है उसमें ग्लिटर अप्लाई करने से और अच्छा लगता है। सो मैं पूरे लीड पे नहीं अप्लाई करूँ, जस्ट सेंटर लीड पे थोड़ा सा अप्लाई की हूँ, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा और यू नो आई मेकअप को इन्हांस करने के लिए एक ग्लिटर लाइनर को जस्ट ब्लैक लाइनर के ऊपर लाइन कर रही हूँ। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं जेल आईलाइनर को वाटर लाइन पे अप्लाई की हूँ एज माय काजल, एंड जो पर्पल शेड है उसको लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए अप्लाई की हूँ। मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं लैक्मी का मस्कारा यूज़ की हूँ विच इज़ सो गुड। सो इसको मैं अपर एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी। सो बहुत अच्छा मस्कारा है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस मस्कारा। एंड हाईलाइटर के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर, आई लव दिस हाईलाइटर, आई एम इन द शेड 09, जो कि बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है मेरे स्किन को।
एंड लैशेज के लिए मैंने यूज किया है द गुड लैशेज का लैशेज. दिस इज सो ब्यूटिफुल स्टाइल एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक. आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का आई मेकअप. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज फॉर मोर अपडेट. मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.